स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, और आज तो अजहर भाई को हमने लंदन बुला लिया है। अजहर भाई आए खास तौर से क्योंकि भारत की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मजा आ रहा है। मैं बिल्कुल अच्छा खेल रहे, देखिए कल का मैच थोड़ा सा टफ हो गया था, बट लेकिन हमारे बॉलर ने मेरे ख्याल में मैच जीता, क्योंकि मैं हर बार कह रहा था कि शमी को खिलाना चाहिए क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, और स्पेशली इंग्लैंड के कंडीशन में उनकी जो बॉलिंग का स्टाइल है वो बिल्कुल सूट करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कल, नो डाउट बहुत कम रन थे, 224 बहुत कम रन थे, बट इंडिया ने अच्छा फाइट किया और जीता मैच। मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था कल का। अजहर भाई आए हैं तो मैच कैसे नहीं जीतेंगे, भले ही रन नहीं थे वाकई में, लेकिन कभी कभी होता ना कि कहते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं वो आपका बेस्ट निकाल कर लाती हैं। भारत के गेंदबाजों ने दिखाया कि अब इस टीम को रोकना नामुमकिन है। अजहर भाई एक बात तो है कि जब आप बड़ी टूर्नामेंट जीतने वाली टीम होती है जी, वो हार नहीं मानती, शायद सबसे बड़ा साइन कल यही निकल कर आया, भले बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। नहीं बिल्कुल, आप हार मान ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ठीक है 224 रन बहुत कम थे, बट लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि हमारे बॉलर्स इतने अच्छे हैं, क्योंकि हमें बॉलिंग अटैक इतनी है, बट अफगानिस्तान की टीम उतनी एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे सिचुएशन में 224 रन तो कुछ होते नहीं थे, बट लेकिन हमारी टीम कभी हार नहीं मानती, और क्योंकि अब से नहीं काफ़ी दिन से, जो अब एक दो तीन साल से हमारी टीम कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों इसलिए आप देखिए कि जो विन परसेंटेज इतना ज़्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीतना चाहते हैं, चाहे वो कौन सी भी टीम रहो, छोटी टीम रहो बड़ी टीम रहो, हम जीतना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस जो है टीम में और जो पूरी टीम जो उभर के आ रही है, हर नाम, क्योंकि हर प्लेयर देखिए कोई भी प्लेयर मैच जिता सकता है इंडियन टीम में, और जो बैठे हुए हैं जो रिजर्व में वो प्लेयर भी अगर आएंगे तो देखिए मोहम्मद शमी बाहर ही तो बैठे हुए थे, मैं कहा था कि मोहम्मद शमी बाहर ही बैठे थे, हम अनलक्की देखिए भुवनेश्वर कुमार वो भी अच्छे बॉलर हैं, इंजर्ड हो गए, उन्होंने आए बट बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने हैट्रिक लिया और मैच जीता है, तो बहुत बड़ी बात है। चेतन शर्मा ने एक हैट्रिक लिया था, एक जी हाँ मैंने दोनों भी देखा है, बट एक में मौका था खेलने का साथ में, बट लेकिन अभी देखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इंडियन टीम का, और मैंने समझता हूँ कि अब कल की जीत के बाद मेरे ख्याल में उनके ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि शायद अगर कभी खुदा ना करता कभी हम कभी रन भी कम बना लें, 250 भी रन बनाए, तो हम हमारे बॉलर्स में इतनी क्षमता है, हमारी टीम में इतनी क्षमता है कि हम अच्छी फाइट करेंगे और दूसरी टीम को हराने की कोशिश करेंगे। सही बात है। देखिए मैं और अजहर भाई तो एक्शन के बेहद करीब थे, मतलब स्टेडियम में थे, तो हमने तो अपनी आंखों से देखा और आपने कल आज तक पर जश्न भी देखा, बड़ा जबरदस्त जश्न हुआ आपको पता है। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने नागिन डांस किया, नागिन डांस करते करते उन्होंने हरभजन सिंह को डस भी लिया, वो सब आप देख चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखा तो वो स्पोर्ट्स तक पर जाकर देख सकते हैं। अजहर भाई एक सवाल है लेकिन बड़ा, कि गेंदबाजों ने बॉक्स टिक कर दिया, बिल्कुल गेंदबाजी आपकी टेस्ट हो गई, लेकिन हालात अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे नहीं होने चाहिए थे कि भारत सिर्फ 224 बनाने में कामयाब। नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थे, मेरे ख्याल में उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, तो मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग जरा थोड़ी लूज बैटिंग थी मेरे ख्याल में, जहाँ तक क्या मैं सोचता हूँ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को क्या बोलते थे और अच्छा खेलना चाहिए था, क्योंकि 152 डॉट बॉल्स हैं, 152 डॉट बॉल 300 बॉल में से बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं समझता हूँ कि एक केदार यादव और धोनी को एक अच्छा मौका तो मिल गया, ठीक है उन लोग ने बहुत स्लो बैटिंग की, बट एक मौका मिला कि केदार यादव बहुत दिन के बाद उन्होंने 50 रन बनाए, तो मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव है, बट लेकिन देखिए जो अगर ऊपर के प्लेयर नहीं बनाएंगे तो हमारे मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल चिंता है, बिल्कुल चिंता है, क्योंकि बाज़ोख़त जैसा कि ये मैच में हमने देखा है, क्योंकि अगर ऊपर के 2-3 बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं, लकीली विराट कोहली ने 67 रन बनाए, बट लेकिन अगर वो भी अगर जल्दी आउट होते तो शायद मेरे ख्याल में और दिक्कत होती थी, बट लेकिन हर प्लेयर को मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं ले रहे, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ऐसा लगा कि दबे दबे खेल रहे हैं, हाँ थोड़ा सा दब गए एकदम, जैसे ना दब गए, हाँ थोड़ा सा लग रहा था कुछ ऐसा, मीन पॉजिटिव थे बट उतना पॉजिटिव नहीं थे, जब विकेट गिरने लगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कभी कभी ऐसा हो जाता है इन्हों के, आप समझते हैं कि एक टीम अफगानिस्तान में इतनी छोटी टीम है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मे बी रिलैक्स हो गए होंगे, तो इसी वजह से होगा, बट लेकिन बाद में जो परफॉर्मेंस था जो बॉलिंग का, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कवर कर लिया हमने। ये बात तो सही है कि कभी कभी आप चाहते हैं ना कि मेरे सारी जो सेना है हर चीज़ में टेस्ट कर लूँ, गेंदबाज तो टेस्ट हो गए, और ये साफ जाहिर भी होता है। आप देखिए यहाँ से कुछ दूर लॉर्ड्स का मैदान है, पाकिस्तान ने 308 रन बनाए, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ नहीं कुछ कर पा रहा था। अब इंग्लैंड पर भी प्रेशर है, इंग्लैंड जो है वो 3 मैच खेलने हैं उसको, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत के साथ पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं समझता हूँ ये गलत वर्ड है, हमने उनको कुछ करने नहीं दिया, वो इम्पोर्टेंट वर्ड है। मैं जानता कि मैं समझता हूँ हमने उनको जब हमने विकेट लेने शुरू किए वहाँ का वहीं उनको हम ख़त्म कर दिए, तो देखिए मैं समझता हूँ कि हमने कुछ उनको करने नहीं दिया और हमारा दबदबा बहुत ज़्यादा था। ये बड़ी बात है क्योंकि दबाव को बेहतर
किस सिचुएशन में कौन खिलाड़ी हैंडल करता है, कौन सी टीम हैंडल करती है, वही टीम वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। और फिलहाल इंग्लैंड में चारों तरफ अगर कोई बात कर रहा है कि एक टीम है, वो है भारत। ना जो बात हो रही थी कि हिंदुस्तान की टीम, अब वेस्ट इंडीज। नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वेस्ट इंडीज़ का मैच भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी अच्छे बॉलर थे, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोज मैच कल हार गया है मेरे ख्याल में, काफ़ी क्लोज दो तीन मैचेस उन्होंने ऐसे हो गए क्लोज मैचेस हारे, बट लेकिन मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज़ के बॉलर बहुत अच्छे, अगर कहीं हमारी दो तीन विकेटें जल्दी गिरती तो हमको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट लेकिन हमारी टीम जो इत्तेफाकी बहुत अच्छी है हमारी टीम। तीन टीमें तो तकरीबन तय हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड थोड़ा सा फंसा हुआ है, देखते हैं वो क्या करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में लंदन से इतना ही। यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सचिन तेंदुलकर ने भी गेंदबाजों की तारीफ की है और बल्लेबाजी की बात की है कि क्या दिक्कत है, वो जरूर देखिए। फिलहाल मुझे और अजहर भाई को इजाजत दीजिए।